Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi nagar and today we are going to do a containing part of chapter 2. Okay?

क्स को अपने एक इंस्ट्रूमेंट पे कौन सी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बीन ओके उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बीन और वो अपने बीन से उस स्नेक्स को क्या करते थे कंट्रोल कर लेते थे और अपनी बीन पे उन स्नेक को डांस कराते थे यस, yes. सो so, ये एक अलग सा स्पेशल टैलेंट होता है किसमें स्नेक चामस से जहाँ हम स्नेक जैसे डेंजरस एनिमल से इतना ज़्यादा स्कैड है इतना ज़्यादा डरते हैं वहीं पे ये जो लोग होते हैं स्नेक चामस ये उन स्नेक्स को इतनी इजिली कंट्रोल कर लेते हैं नॉट इवन कंट्रोल दे कैन मेक देम डांस ऑल्सो वो उन्हें अपनी बीन के साउंड पे डांस भी करा सकते हैं ओके okay? एंड और क्या वर्क करते हैं ये ये मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं किस चीज की मेडिसिन अगर किसी को स्नेक ने बाई चांस अगर बाइट कर लिया सो उसके लिए कोई मेडिसिन होगी राइट एंड इफ द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल्स आर फार अवे फ्रॉम दैट पर्सन सो जो ये लोग होते हैं स्नेक चॉर्मर्स दे प्रोवाइड द मेडिसिन और ये मेडिसिन किससे बनाते हैं ये मेडिसिन बनाते हैं प्लांट से ओके okay? सो so, ये एक मैंने शॉर्ट रिव्यू दे दिया आपको रिकैप दे दिया जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पार्ट वन में ओके okay? सो so, अब हम इसके ही आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे दिस पार्ट में क्लियर टू यू ओके सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर ओके सो लास्ट पार्ट जो हमने कवर किया था उसमें एक क्वेश्चन मेरा कवर करना रह गया था दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्ट ओनली सो इन चैप्टर वन यू रीड दैट स्नेक डू नॉट हैव व्हिच यू कैन सी Can can the 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 snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? सो so, हमने चैप्टर चैप्टर वन चैप्टर वन में हमने अभी रीड किया था जब सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा था फाइव सेंसेस होती हैं राइट right? सो so, उसमें से एक सेंस ऑर्गन वाली क्या होती है हमारे ईयर्स होते हैं क्या होते हैं हमारे इयर्स होते हैं सो so, जो इयर्स हमारी सेंस ऑर्गन होती है उससे हम क्या करते हैं हम उसे हेयर करते हैं साउंड को सुन सकते हैं क्लियर सो so, हमने ये रीड किया था कि स्नेक्स डो नॉट हैव इयर्स स्नेक्स के पास ईयर्स नहीं होते सो so, स्नेक्स फिर सुनते कहाँ से हैं ओके okay? हमने अभी कहा कि जो स्नेक चावर्स होते हैं वो अपने बीन पे उन्हें डांस कराते हैं सो so, बीन डांस कर भी करते होंगे ना जब उनको बीन साउंड का साउंड सुनाई देता होगा नो ऐसा नहीं होता

So, ये एक क्वेश्चन ऐसा रह गया था था, जो मुझे पार्ट में डिस्कस करना था, but वो लेफ्ट आउट हो गया था तो नाउ okay? हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे पेज नंबर से पेज नंबर सेवनटीन से क्लियर सो हेयर फादर यूज टू तो ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड सो आर्यनाथ ने क्या कहा फादर यूज़ टू एवर सिंस ही अ यंग चाइल्ड आर्य नाथ को कहा कि तुम्हारे जो फादर हैं वो मेरे साथ कब ट्रैवल करते थे जब वो एक बहुत छोटे एक यंग चाइल्ड थे बहुत ही छोटे चाइल्ड थे बहुत ही छोटे बच्चे थे तब से ही इज ट्रैवलिंग विथ मी ही लर्न टू प्ले बीन विदाउट बींग टॉट उनने क्या बताया उनने बीन बजाना किससे सीखा किसी से नहीं सीखा वो ये खुद से विदाउट मतलब उन्हें किसी ने सिखाया नहीं खुद से ही वो चीज को learn किया। बोला no so, बट अब जो ये चीजें हो गई दीज बिकम डिफिकल्ट फॉर अस वाई डिफिकल्ट क्योंकि स्नेक क्या है स्नेक हमारा वाइल्ड एनिमल है राइट right? स्नेक क्या है वाइल्ड एनिमल है सो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स तो फॉरेस्ट में रहते हैं राइट जंगल में रहते हैं सो so, जब स्नेक हमारा वाइल्ड एनिमल है वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहते हैं सो so, लोग कभी कभी क्या करते हैं उन्हें कैच करके और फिर उन्हें हार्म करते हैं राइट उन्हें कोई भी हर्ट करते हैं हार्म करते हैं सो so, गवर्नमेंट ने हमारी एक लॉ बनाया लॉ यू नो वेरी वेल कि मैंने लॉ का मीन्स बहुत बार समझाया है कि लॉ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कोई बात कह देती है और अगर किसी ने उसको फॉलो नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड लॉ ओके इन लैंग्वेज सो एक लॉ बना दिया कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं कर सकता ये उन्हें कह दिया अगर फिर भी कोई वाइल्ड एनिमल को कैच करता है तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी ओके सो सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देर सेल द स्किन एट हायर प्राइस क्यों ये लॉ बना बिकॉज कुछ लोग क्या करते थे दे जस्ट किल दिल द एनिमल्स एंड फॉर देर स्किन लाइक हमने चैप्टर वन में भी रीड किया था कि हंटर्स एंड पोचर्स किल किल द द टाइगर टाइगर को करते हैं टू हैव स्किन उनकी स्किन के लिए राइट सिमिलरली स्नेक भी उनमें से एक है कि जो स्नेक हुआ टाइगर हुए पीपल यूज टू किल दीज एनिमल्स फॉर देयर स्किन ओके एंड स्किन को सेल करते हैं बहुत ज्यादा हायर prices mein so they made a law against this now within this law how will we earn our livelihood so फिर वो बोले कि अगर बट ये लॉ बन तो गया बट इस लॉ के साथ हम कैसे अपना अर्निंग करेंगे कैसे पैसे कमाएंगे हाउ वी विल डू अ लाइवलीहुड विद दिस ये लॉ तो बन गया अब जब हम स्नेक को कैच ही नहीं कर सकते तो जो हमारा काम है उनका काम क्या रहता है स्नेक चार्मर्स का वो करते क्या है बीन की आ, बीन के मूवमेंट पे स्नेक को डांस करा के लोगों को एंटरटेन करते हैं एंड उससे स्नेक से रिलेटेड उनको जो भी काम मिलता है वो करते हैं बट उनका काम जो भी है क्लियरली किससे कनेक्टेड है स्नेक से कनेक्टेड है जब स्नेक से नहीं रहेंगे तो फिर उनकी अर्निंग कैसे होगी पैसे कैसे कमाएंगे वो देन पीपल हैव ने स्नेक्स एंड सोल्ड देअर स्किन हम लोग जो स्नेक चामल होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम कभी स्नेक को मार नहीं सकते वी नेवर किल द स्नेक एंड वी नेवर सोल्ड देअ स्किन और ना ही हम उनकी स्किन सोल करते हैं पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन इफ यू वॉन्टेड वी टू कुड हैव ऑन अलॉट ऑफ मनी बाई किलिंग दी स्नेक्स उनने क्या बोला लोग कहते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत ही बैड कंडीशन में रखते हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं बट अगर इफ दिस हैपेन तो हमें कोई टाइम नहीं लगेगा हम हमें स्नेक को मार के और बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं बट वी नेवर डू दैट हम स्नेक्स को कभी किल नहीं करते कौन कभी किल नहीं करते दी स्नेक चार्मर्स वो नेवर किल दी स्नेक्स ओके सो दे दे आर टेलिंग देयर स्टोरीज देन व्हाट हैपेन देन आफ्टरवर्ड्स बट वी वुड नेवर डू दैट स्नेक्स आर आर ट्रेजर्स दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर सो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्नेक्स को कोई भी हार्म पहुंचाएं कोई भी हर्ट करें ओके स्नेक्स जो है हमारे ट्रेजर्स हैं हम उनको पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू तो अनदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक हम उन्हें पहुँचाते हैं हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि उसको अपने पास चिपका के रख लिया राइट right? ओ उसको किल कर दिया ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नैक टू आर डॉटर्स वेन दे गेट मैरिड और हमारे लिए वो ऐसा ट्रेजर है ऐसा एसेट है ऐसी चीज है हमारे लिए कि इवन हम उसे गिफ्ट भी करते हैं जब हमारी डॉटर्स की शादी होती है तो हम उन्हें एज ए गिफ्ट भी प्रेजेंट करते हैं सो थिंक स्नैक्स जो है ना स्नेक जो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ओके सो इन आर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू दस ऑफ द स्नेक Aryanath, you will have to make a different life, different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean, you and your cousins can form a bean party and entertain people. So, क्या बोला एक कालबेलिया डांस भी होता है उसमें भी उनके स्नेक डांस से रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे लोग हैं कालबेलिया पीपल ही कहलाते हैं मूवमेंट्स so, so, जो मूवमेंट्स होते हैं किसके मूवमेंट्स ऑफ द स्नेक डांस ओके सो so, जो हम स्नेक डांस करते हैं उसके भी मूवमेंट्स होते हैं उनके कालबेलिया डांस में ओके फिर उनने बोला कि आर्य यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ तुम्हें कोई डिफरेंट लाइफ चुननी पड़ेगी बिकॉज अब जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ गई हैं इस लाइन में यू कैन नॉट बिकम अ स्नेक चावर स्नेक चावर नहीं बन सकते यू हैव टू चूज सम डिफरेंट लाइन ओके एंड यू नो हाउ टू प्ले द बीन बीन बजाना तो यू नो दैट यू हैव लर्न दिस गिफ्ट फ्रॉम योर फादर आपके फादर से आपने गिफ्ट ये सीख तो लिया कि हाउ टू प्ले द बीन Now you and your cousins form a bean party and entertain the people. Now a group which bean entertain Then what happened? But do not waste this knowledge about snake you have got from your elders. और उन्हें यह भी बोला कि जितनी भी स्नेक से रिलेटेड तुम्हें नॉलेज मिली है बट डू नॉट फॉक इट एवर इन्हें कभी भूलना मत ओके okay? अगर कभी हो सकता है आपके यूज में आए सो यू कैन यूज इट उन्हें मेडिसिन पता है उन्हें स्नेक को कंट्रोल करना पता है उन्हें दे नो वेरी मच थिंग्स अबाउट द स्नेक्स तो ये जो तुम्हें नॉलेज मिली है अबाउट द स्नेक्स यू नेवर फॉग इट ओके शेयर यूर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विध चिल्ड्रन लिव इन टाउन सिटीज़ सो चिल्ड्रन लाइक यू यू ऑल चिल्ड्रन लिव इन टाउन एंड सिटीज राइट हम सब कहाँ रहते हैं टाउन एंड सिटीज में रहते हैं जितनी नॉलेज हमारे पास स्नेक की नहीं है उतनी उससे कई ज्यादा नॉलेज स्नेक के इन विलेज लोगों के पास है जो कहाँ रहते हैं

रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम कौन सा पॉइजनस स्नेक है और कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है ओके पॉइजनस यानी कौन सा जहरीला स्नेक है और कौन सा जहरीला स्नेक नहीं है ओके okay, सो so अगर स्नेक चावल हमें सिखाएंगे कि रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना कौन सा स्नेक पॉइजनस है एंड कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है सो वी कैन रिकॉग्नाइज इट और अगर एक बार हमने रिकॉग्नाइज कर दिया तो जो स्नेक पॉइजनस नहीं है उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्लियर ओके okay.

हाँ, स्नेक भी बन सकते हैं। How? एक फार्मर के कैसे स्नेक फ्रेंड्स बन सकते हैं कि वो स्नेक फील्ड में घुस जाते हैं अगर कभी रैट्स, यू you नो know, रैट्स, अगर रैट्स घुस जाए फील्ड में ओके okay? और वो जाके फील्ड के क्या करते हैं क्रॉप्स को खा लेते हैं कौन रैट्स और जब स्नेक घुस जाता है फील्ड में तो वो रैट्स को खा लेते हैं सो so, इस तरह से फार्मर की जो क्रॉप्स हैं वो सेफ हो जाती हैं सो so, स्नेक्स फार्मर क्या बन Friends बन गए गए फ्रेंड्स क्लियर सो इस तरह से स्नेक एंड फार्मर्स फ्रेंड होते हैं क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो फार्मर्स की क्रॉप्स को सेफ करते हैं किस से ये ओके सो नाउ यू टेल योर स्टोरी ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन ओके, सोहन ने क्या बोला कि नाउ आर्यनाथ यू कैन मेक योर स्टोरी अब अपनी स्टोरी बनाना और अपने ग्रैंड को सुनाना क्लियर सो दिस स्टोरी फॉर अबाउट द स्नेक चामस हमने स्नेक चार्मर्स के ऊपर एक स्टोरी पढ़ी अगर ये बुक में आपकी स्टोरी नहीं होती तो यू नेवर नो कि स्नेक चार्मर्स कितने इंपॉर्टेंट होती हैं और कितनी सारी नॉलेज होती है उनके पास स्नेक से रिलेटेड और ने काफी कुछ नॉलेज हमसे भी शेयर करी विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर क्लियर अब नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर रिलेटेड टू द टॉपिक वो हम डिस्कस कर लेते हैं ओके okay?

एंड डॉग्स ये सारे एनिमल्स हम काफी कुछ देखते हैं सर्कस में रोड में भी हमें मंकीज देखने को मिलते हैं पार्क में भी हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू जिनकी हेल्प से लोग हमें एंटरटेन करते हैं ओके सो व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस क्वेश्चन नंबर वन व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द एनिमल्स सो आई सॉ द एनिमल्स दींग यूज फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन सर्कस तो हमने देखा एनिमल्स के थ्रू जब हमें एंटरटेन किया जाता है कहाँ पे इन अ सर्कस नेक्स्ट विच एनिमल शो डिड यू सी कौन से एनिमल का शो देखा है आपने द हैड लायंस एलिफेंट्स हिप्पो एंड मंकीज तो कौन से कौन से एनिमल्स थे में कभी में गए हो तो सर्कल्स में हमें कितने सारे एनिमल्स दिखते हैं लायंस एलिफेंट्स डॉग्स hippo एंड monkeys. क्लियर ओके नेक्स्ट हाउ did पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो कैसे बिहेव करते हैं वो शो में एनिमल्स के साथ सो द बिहेवियर वॉज गुड उन्हें कुछ कुछ सिखाते हैं हमें जो लिखता है कि एनिमल्स कि so जो बिहेवियर होता है उनका एनिमल्स के लिए वो ज्यादातर लोगों का क्या होता है अच्छा होता है गुड होता है ओके सो बिहेवियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड क्लियर ओके

Okay, okay. so, तो you know, फेंक रहे थे वेरी बैड राइट सो क्यों क्योंकि भालू अगर बाहर आ गया ना तो फिर मजा आएगी सो so, हमें अगर कोई एनिमल है तो उसे टीज नहीं करना चाहिए उसे परेशान नहीं करना चाहिए ओके okay. सो so,

सो so came क्वेश्चन केम टू after माइंड आफ्टर animal दैट एनिमल शो them आर follows क्या है इज़ इट फेयर टू exploit एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट हम क्या करते हैं हम lions को मंकीज को एलिफेंट्स को केज में रखते हैं कहाँ पे केज में जिससे कि हम उन्हें यूज कर सके एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें कम डाइट देते हैं कम फूड खाने को देते हैं वाई जिससे वो अच्छा सा परफॉर्म करें उन्हें बिना फ़ूड दिए परफॉर्मेंस कराते हैं so, सो क्या ये चीज़ें राइट हैं जो अपने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इतना बड़ा होता है एलिफेंट तो लाइन लाइन इज वेरी डेंजर तो इन्हें पकड़ के कैसे लाते हैं सर्कस तक जू तक कैसे इनको पकड़ के लाते हैं राइट ये क्वेश्चन तो आप सबके माइंड में आना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ दोस एनिमल्स आर ट्रेन फिर अगर हम लायन को बोले सिट लायन सिट तो लायन बैठेगा तो और हमारे ऊपर आ जाएगा राइट right? सो so, कैसे वो लोग ट्रेन करते हैं कि जो वो कहते हैं वही एनिमल्स करते हैं जो वो कहते हैं वही एनिमल्स करते हैं सो ऐसे ट्रेनिंग कैसे देते हैं राइट right? ये आया था कि नहीं आया था माइंड में ऑफ आया होगा नेक्स्ट डू सर्कस पीपल हैंडल दो विथ प्रॉपर केयर और जो सर्कस में लोग एनिमल्स को लाते हैं उनके प्रॉपर केयर करते हैं कि नहीं करते हैं उनको प्रॉपर फूड देते हैं कि नहीं देते हैं क्योंकि ला के रखना इज ओके बट उनकी प्रॉपर केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो प्रॉपर केयर होती है कि नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल एनिमल्स आर सेट फ्री सो हम सोच खूब सब सोचते हैं कि

फ्री रखना चाहिए राइट ओके सो दीज आर द द सम ऑफ हमारे माइंड में आते हैं व्हेन वी सी द एनिमल्स इन द सर्कस इन द ज़ू, राइट ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन। सो इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक अबाउट हाउ यू वुड फील कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सो So, okay? ज में. में, so, में बंद कर दिया जाए थिंक की आप ही एक एनिमल हो आप लॉयन हो आप लायन हो और लॉन आपको के बंद हो सो so, आपको कैसा फील होगा और कुछ सेंटेंस आपको कंप्लीट करने सो आई माइ फ्रेड वे माइ ट्रेन बीट्स

ओके आई विश आई कुड इन्जॉय माई फ्रीडम ओके वो क्या विश करते हैं कि काश मैं अपनी फ्रीडम इन्जॉय कर पाता मैं फ्रीली मूव करता फॉरेस्ट में यहाँ के एज में बंद नहीं होता नेक्स्ट आई सन सेड वेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन द जंगल एंड मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स को रिमेंबर करता हूँ जो जंगल में है ओके इफ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट अगर मुझे चांस मिला तो मैं फॉरेस्ट भाग जाऊँगा कोई भी मुझे परेशान करता है टीज करता हैजेन वी आर इन अ केज अगर हम किसी केज में हमें कोई बंद कर दे तो सेम फीलिंग जो है वो हमें भी आएंगी राइट ओके नाउ मूव टू दैक्स्ट क्वेश्चन सो डू यू नो Of the many kinds of snake found in our country only four types of snakes are poisonous so there are many snakes in our country but only four types of snakes are poisonous that are Cobra, Coman, Russell's viper and saw scale viper so Cobra co common correct Russell viper and saw scale viper okay तो so, यही कुछ स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं जिनमें पॉइजन होता है बाकी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते अ स्नेक हैज टू हेलो टीथ व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सस बॉडी थ्रू द फैंक्स सो एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर्स जो आर दो टीथ्स होते हैं उनके ओके okay? सो so, उन टीथ्स से स्नेक क्या करता है बाइट कर लेता है और उसके बाद जो दो डॉट्स आपके हाथ में आ जाए या कहीं पे भी आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड उस पर्सन को स्नेक ने काटा है और उन्हीं दो डॉट्स से हमारी बॉडी में क्या होता है पॉइजन एंटर कर सकता है देर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाउ मेडिसिन इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो मेडिसिन कैन बी गिवेन जो किससे बनती है वो मेडिसिन भी बनती है स्नेक के पॉइजन से ही जो उसके पॉइजन को आपकी बॉडी से निकाल सकती है क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट इज लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द लाइवलीहुड सो लाइक स्नैक charmers स्नेक चार्स का वर्क किससे रिलेटेड था टू द स्नेक वर्क इज रिलेटेड टू द स्नेक ओनली तो उनका जो भी मनी आता था वो रिलेटेड था स्नेक से आना का, स्नेक है तो उनके पास मनी आता था ओके सो उनकी लाइफ जो थी डिपेंड किस पे थी एनिमल कॉल स्नेक तो आप भी ऐसे किसी वर्कर को जानते हो जिसकी लाइफ डिपेंड हो किसी एनिमल पे सो so, अपार्ट फ्रॉम स्नेक charmers उसे मिल्क कहा से मिलता है मिल्क मिलता है काउ से ओके okay? या बफेलो से या गोद से सो so, अगर ये तीनों क्या है ये एनिमल्स है अगर ये एनिमल्स पे उनका ये एनिमल्स नहीं रहेंगे तो उन्हें मिल्क नहीं मिलेगा और उनका काम नहीं चल पाएगा सो मिल्क मैन का भी जो वर्क डिपेंड होता है वो एनिमल्स पे होता है क्लियर पोल्ट्री फार्मर्स पोल्ट्री फार्मर्स क्या होते हैं लाइक like जो एग्स आपके जो एग्स वगैरह के सेलर होते हैं वो होते हैं पोल्ट्री फार्मर्स और यू ईट चिकन ओके सो जो चिकन के जो चिकन रखते हैं उनके फार्म्स में सो वहाँ पे वो लोग चिकन रखते हैं वो चिकन को सेल करते हैं एग्स को सेल करते हैं सो इनको सेल करते हैं अगर एनिमल्स नहीं होंगे हैन नहीं होगी तो हैन नहीं होगी तो ना ही वो चिकन बना पाएंगे ना ही वो एग्स सेल कर पाएंगे दोनों ही चीजें नहीं हो पाएंगी तो उनका काम रुक जाएगा नेक्स्ट इज टोंगा वाला टोंगा वाला कैसे होते हैं हॉर्स के हेल्प से चलते हैं ओके okay, अगर हॉर्स नहीं होंगे तो टोंगा वाला नहीं चल पाएंगे सेम फॉर द फार्मर्स उनके लिए बफेलोज ऑक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वॉशरमैन उनके लिए वॉशरमैन के लिए अगर हम बात करें तो डोंकीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वॉशरमैन सो हमने देखा इन कुछ वर्क्स हैं जिनके लिए एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर इन एनिमल्स नहीं होंगे तो इनका वर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा ओके okay, और फिर होगी प्रॉब्लम क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स तो हमें सर्वे करना है जो लोगों को जो एनिमल्स को रखते हैं उनका सर्वे टू समर नेबरहुड कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फॉर अ टोंगा एग्स सो हम कुछ लोगों से ऐसे बात करनी है जो आपको पता है कि जिनके पास जो टोंगा चलाते हैं तो उनके पास हॉर्स है जो है, चिकन बेचते हैं उनके पास हैन है जो एग्स बेचते हैं उनके पास हैन है, है तो उनका क्या वर्क होता है ओके okay? उनके कैसे डिपेंड करती है लाइफ उनके का काम की लाइफ एनिमल्स पे ओके सो क्या-क्या पूछोगे नेम द एनिमल दे कीप कौन सा एनिमल है उनके पास क्यों उनको पूछना है हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर कितने एनिमल्स हैं आपके पास ओके सो एक सेकेंड ना लाइक आपके पास नेम द एनिमल्स में हो सकते हैं हैन हो हॉर्स हो उनके पास ओके या फिर काऊ हो सो जो भी कॉल्स को जो सा भी आपके पास एनिमल है आप बताओ आपके पास हैन है कि हॉर्स है कि काऊ है ओके हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर मतलब आपके पास कितनी हैन है नहीं? अगर आपके पास टेन हेन्स है या टू काउस है क्या है आपके पास इज अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स क्या आपने अपनी अलग एनिमल्स के लिए कोई सेपरेट प्लेस बना के रखी है ओके okay. लुक्स आफ्टर देम और ये एनिमल्स आपके पास जितने भी हैं उनकी केयर कौन करता है उनकी प्रॉपर केयर कौन करता है वॉट डू द एनिमल्स ईट ये जो एनिमल्स खाते हैं लाइक हैन का जो फूड रहता है काउ का जो फूड रहता है क्या वो फूड आपके पास अवेलेबल है ओके डू द एनिमल्स एवर फॉल इल एंड वॉट डज द कीपर डू दे कभी एनिमल्स ऐसे हैं कि बीमार पड़ जाते हो और अगर वो बीमार पड़ जाते हैं सो वॉट हेल्प यू डू आप कैसे उनकी हेल्प करते हो Make Make some more questions and and discuss. Make a report on your project and read it in the class. So ऑन योजेक्ट एंड रीड इट Like I told you टोल्ड यू के पूछना है और इन क्वेश्चन का क्या मीनिंग है और भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में सो प्लीज लेट मी नो हम यहाँ पे और क्वेश्चन क्लियर ओके नाउ इफ यू मूव अट्यूम रामलाल द the milkman. सो so, हमने जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करी उसकी पूरी रिपोर्ट हमने रेडी करके रखी है सो so, एक रामलाल हमने अज्यूम करा है जो कि क्या है मिल्क मैन है ओके सो ही सेवन काउस उनके पास दो एनिमल्स हैं। कौन से कौन से बफेलोज एंड काउस कितनी बफेलोज हैं? उनके पास सेवन बफेलोज हैं और काउ कितनी है उनके पास सेवन काउज है

वेटेनरी हॉस्पिटल किसके लिए होता है वेटेनरी हॉस्पिटल्स एनिमल्स के लिए जो हॉस्पिटल होता है वो होता है वेटेनरी हॉस्पिटल क्लियर दीज काउज एंड बफेलोज आर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम रामलाल उनके लिए ये जो इनकम उनकी जो भी मनी अर्न करते हैं किसकी हेल्प से इन्हीं एनिमल्स की हेल्प से अर्न करते हैं ही अर्नस मनी बाय सेलिंग द मिल्क वन अ डे आफ्टर दिवाली रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप हिज एनिमल्स सो दीपावली के नेक्स्ट डे ही क्या होता है एक फेस्टिवल पड़ता है if you know that, जिसे हम कहते हैं नो ओके you know? okay. उस दिन रामलाल अपनी जितनी भी बफेलोज हैं उनको अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट करके उनको तैयार करके उनकी वर्शिप उनकी प्रेयर भी उनकी पूजा भी करता है क्लियर ओके सो ये हमने एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि थी रामलाल के बारे में जो क्या थे मिल्कमैन थे क्लियर टू यू ओके नाउ मेक अ स्नेक पपेट

ओके, सो लाइक दिस इज़ इज़ द द प्लेस प्लेस एंड पे दो बटन्स की आईज ये ऑलरेडी हमारा स्नेक जैसे तो लग ही रहा है क्लियर फिर यहाँ पे बीच में स्पेस होगी वहां पे आप कोई भी रेड कलर का पेज लो या व्हाइट पेज को एक रेड कलर कर लो एंड उसके बाद ऐसा कुछ पेज लेना okay. इस तरह से उसकी हम टंग बनाएंगे और यहाँ पे स्टिक कर देंगे ओके इन हिज माउथ जिसके स्नेक के माउथ में क्लियर सो नाउ वॉट स्नेक इज रेडी स्नेक इज रेडी दैट्स यू हैव टू डू टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स आपको एक ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए पुट ऑन योर आर्म्स अपनी आर्म्स में आप पहनिए नेक्स्ट स्टिक बटन और बिंदी फॉर द आईस कोई भी बिंदी या बटन आप स्टिक कर सकते हो एज आई टोल्ड यू कट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर यूजिंग एज द ट एंड स्टिक इन द्लेस आई शोन सो आप यू कैन यूज द रेड आपका रेड कोई भी रेड पेज या कलर कर करके भी रेड कर सकते हो नो no प्रॉब्लम जो मे टंग जैसे स्टिक करना है मैंने जो प्लेस बताई है यहाँ पे क्लियर सो ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक वीप शेप कट सो अदर साइड ऑफ द पेपर यानी एक पेपर के जो आपका बाहर सा लगा होगा जो बाहर निकल रहा होगा टंग वाला पेज ओके okay, उसको वी सा कट करना है लाइक दिस यू कैन सी ऐसे वी सा कट करना है Your snake is ready. Okay? So, इस तरह से स्नेक रेडी हो गया वेरी सिंपल ओके बहुत ही सिंपल था सो so, एक बार और बता देती हूँ कोई भी ओल्ड सॉक्स आपको लेना है यू हैव टू वेयर इट ऑन दी हैंड इस तरह से आपका बन जाएगा देन एक आपको भी बटन लो टू और एक को यहाँ स्टिक कर दो आपको यहाँ स्टिक कर दो क्लियर आठ एक रेड पेज लेना है लंबा सा उसके एक एंड पे आपको वी सा कट करना है और उसको यहाँ से स्टिक कर देना जो बन जाए कि टंग हमारे स्नेक की क्लियर और उसके बाद आपका स्नेक जो है रेडी हो जाएगा क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव लर्न दिस इज दूडेड यानी फुल चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए जो आपके फुल चैप्टर का एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है ओके okay? सो so, हम देखते हैं द गवर्नमेंट हैज मेड लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप द स्नेक्स वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ गिव द रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स सो गवर्नमेंट ने हमने जैसा चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है गवर्नमेंट ने बनाया है एक लॉ क्लियर लॉ बनाया है लॉ में क्या लिखा है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने लिखा है कि कोई भी जो एनिमल्स है उनको कैच नहीं कर सकता उनको रख नहीं सकता वाई बिकॉज उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा है ओके okay? सो so आप क्या सोचते हो कि ये एक सही डिसीजन है कि एक रॉन्ग डिसीजन है और अगर आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है तो क्यों लगता है वो लिखना है अगर आपको लगता है कि एक रॉन्ग डिसीजन है तो क्यों है वो आपको वो भी लिखना है क्लियर टू यू सो एनिमल्स आर ऑफन कीप इन captivity they are used for entertaining people for example snake charmers use snake and madrasi use monkey uh, madrasis ni madaris use monkey to entertain the people since they earn livelihood from these animals so they take good care of these animals but no animals would like to live as a slave everyone likes to enjoy the freedom i think the government law preventing catching the animals and keeping snake is a good law सो so, एनिमल्स को जो रहता है हमें हमेशा एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए राइट right? क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि गुड एनवायरनमेंट हो सो so, जैसे कुछ लोग जो स्नेक के थ्रू जो एनिमल्स के थ्रू ही अर्निंग करते हैं लाइक स्नैक चामस जो स्नेक के थ्रू हमें एंटरटेन करके अर्निंग करते हैं वैसे होते हैं मदारीस मदारीस क्या करते हैं जो मंकीज को एक डमरू पे डांस करा के उससे हमें एंटरटेन करते हैं तो ये दो एनिमल्स ये दो लोग ऐसे हैं जो एनिमल्स के थ्रू हमें एंटरटेन करते हैं बट इसमें एनिमल्स की वो प्रॉपर केयर करते हैं और पूरी तरह से उनका ध्यान रखते हैं व्हाई? बिकॉज अगर वो अच्छे से हेल्दी रहेंगे तभी तो वो लोग अच्छा अर्न कर पाएंगे बट कहीं कहीं पे एनिमल्स को स्लेव स्लेव मीन्स नौकर की तरह बहुत ही बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है राइट right? सो so, इस तरह से कोई ट्रीट ना करे लाइक सर्कस वगैरह में हम बात करें तो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है हमें तो सिर्फ स्टेज की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बट बैक साइड ऑफ द स्टेज जब उन्हें ट्रेन किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाता है दैट्स वाई ये सारी चीज़ों को उनको उन पे कुछ भी बैड बिहेवियर ना हो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो लॉ बिल्कुल सही लॉ बनाया है इट्स अ गुड लॉ फॉर दी एनिमल्स क्लियर ओके सो दिस इज इट वी कम्प्लीटेड आज फुल चैप्टर हमने हर एक चीज की रीडिंग कम्प्लीट की है डिस्कस किया है डिटेल में स्टडी किया है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर को हमने कम्प्लीट किया है क्लियर टू यू सो नाउ बस एक छोटा सा पार्ट समरी इज रिमेनिंग जो हम वो भी कम्पलीट कर लेंगे वेरी सुन ओके सो टिलन यू कैन वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रीन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रीन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन